Assalamu alaikum dear students, I hope and pray that you all are safe and fine. The subject that we are having is treasury and fund management. In the last lecture we had discussed about different risks and the topic that we were studying was business risk management. जब हम रिस्क की बात करते हैं तो और उसके हवाले से बैंक की बात करते हैं तो रिस्क एक नॉर्मल बिजनेस में या कंपनी में या किसी और बिजनेस में और बैंक के रिस्क में देयर इज अ बिट डिफरेंस. बिकॉज जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है वो ऑनर का है और ज्यादा पैसा वही है या जो बिजनेस ऑन कर रहा है जिस पीक वर्किंग कैपिटल से वो अपना काम कर रहा है. बट जब हम बैंक की बात करते हैं तो इसमें बहुत मेजर पार्ट डिपॉजिट होल्डर्स का होता है. सो बैंक की इक्विटी जरूर शामिल है, कैपिटल जरूर शामिल है, बट द मेजर पोर्शन इज द अमाउंट विच इज बींग प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटर्स. सो इस हवाले से बैंक को कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है कि ना सिर्फ अगर रिस्क मैनेज ना हुआ या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लॉस हो गया तो ना सिर्फ बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपनी इंस्टीट्यूशनल की सेपरेट आइडेंटिटी गवा सकता है बल्कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स का या डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा भी डूब सकता है. तो इसलिए बैंक में रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं रिस्क मिटिगेशन के हवाले से. सो बैंक का जो प्राइमरी काम है जैसा कि आप जानते हैं द प्राइमरी पर्पस इज टू टेक डिपॉजिट एंड टू लेंड दैट मनी. सो डिपॉजिट जब आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है. अब अगर तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी ना हो या वो लेंडिंग अच्छी ना हो तो जैसे मैंने पहले बताया ना सिर्फ बैंक को लॉस हो सकता है बल्कि बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा डूब सकता है. सो इस हवाले से जब भी बैंक लेंडिंग करता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट है सो वो फंड एक्चुअली जो हमें डिपॉजिट होल्डर ने दिया है उसको जब भी बैंक आगे फर्दर लेंड करने की कोशिश करता है तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. वो रिस्क लेंडिंग में कैसे कम किए जा सकते हैं so आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है, दैट इज 5 C's ऑफ लेंडिंग: कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, कैपिटल, कैश फ्लो एंड कंडीशंस. सो आई एम रिपीटिंग इट: कैरेक्टर, कैपेसिटी या कैश फ्लो, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशंस. सो इन 5 C's के थ्रू, जिसको हम कैनन्स ऑफ लेंडिंग भी कहते हैं, इसके थ्रू बैंक अपना रिस्क मैनेज कर सकता है या कम कर सकता है, मिटिगेट कर सकता है लेंडिंग के हवाले से. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईच सी. हम वन बाय वन देखते हैं कि हर सी की क्या वर्थ है या किस तरीके से हम लेंडिंग का रिस्क कम कर सकते हैं. क्रेडिट रिस्क, how the credit risk can be mitigated. I have already told you that what is a credit risk and now we'll talk about how it can be mitigated. Remember one thing, that no risk can be 100% evaporated, no risk can be 100% excluded, no risk can be 100% mitigated, but we will try, or the bank actually tries to minimize the risk, and this is what we will try to do here as well. कि कैसे वो रिस्क जो है उसको कम 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता. देर इज़ नो बिजनेस इन द वर्ल्ड विच इज़ रिस्क फ्री. सो बाय एंड लार्ज वी हैव रिस्क. हाँ, ये हो सकता है कि हम रिस्क को मिनिमाइज कर लें, 0.1% तक ले आए या इसे भी कम कर लें, बट द रिस्क विल रिमेन इन एनी ट्रांजेक्शन. सो फॉर द रिस्क मिटिगेशन टूडे विल स्टडी अबाउट द कैनन्स ऑफ लेंडिंग. वी कॉल इट 5 C's. As you already had studied in somewhere the 7 C's of business communication, similarly here we have 5 C's, canons of lending. So these are the 5 things which a banker must look into while advancing loans. जैसा कि आपको पता है कि जब बैंक लोन देता है तो वो उसको रिकवर करता है 2 parts में. एक वो principal amount होती है, यानी कि वो पैसा जो कि लोन के तौर पर दिया गया है, और second amount होती है interest की. दैट मीन्स ये वो पैसा है जिसके बाद बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा. सो द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, दैट टू थिंग्स कम्बाइन वन इंस्टॉलमेंट. और जब वो पूरा पैसा प्रिंसिपल के तौर पर रिकवर हो जाता है, साथ के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी रिकवर हो जाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ना सिर्फ आप इंटरेस्ट रिकवर करते जाएँ बल्कि प्रिंसिपल भी वापस आए, एंड वाइस वर्सा. प्रिंसिपल अमाउंट आने के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट आना भी जरूरी है, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक. इट विल बी द अमाउंट फ्रॉम विच द बैंक विल अर्न प्रॉफिट.
अगर प्रिंसिपल रिकवर हो गया, इंटरेस्ट नहीं आया, दैट विल कॉज प्रॉब्लम बिकॉज बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे उसके ऊपर, सो इट विल एवेंचुअली बेयर द लॉस. ऑन द अदर साइड अगर सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट डिले होती चली जा रही है, सो ऐसी सूरत में एक छोटे चंक के लिए एक बड़ी अमाउंट या एक बड़ा जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लोन के तौर पर दी थी वो फॉरगो हो रही है. सो ऐसी सिचुएशन में पहुँचने से पहले इस रिस्क को ख़त्म करना ज़रूरी है, और वो रिस्क हम कैनन्स ऑफ लेंडिंग के थ्रू ख़त्म तो नहीं मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड देर आर फाइव थिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर, देन कैपेसिटी एंड कैश फ्लो, इसको हम कंबाइन पढ़ेंगे, देन कैपिटल, देन कोलैटरल एंड कंडीशंस. सो लेट्स स्टडी इट वन बाय वन. फर्स्टली कैरेक्टर. सो कैरेक्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट द पर्सनल कैरेक्टर एंड सेकेंड प्रोफेशनल कैरेक्टर. पर्सनल कैरेक्टर की हम बात करते हैं, इसको हम बहुत ईजी सी एग्जाम्पल लेके चलते हैं. लेट्स से आपका एक फ्रेंड है, यू हैव मैनी फ्रेंड्स, और उसमें से एक फ्रेंड आपसे कोई पैसा उधार मांगता है और वो आपको कहता है कि मैं आपको एक माह के बाद पैसा वापस कर दूंगा. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल लुक वाइल एडवांसिंग हिम और वाइल गिविंग हिम और वाइल हेल्पिंग हिम, कि क्या ये इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या ये हैबिचुअल है पैसा मांगने के लिए, या क्या ये पैसा इसने पहले भी कभी किसी से लिया था और पैसा वापस नहीं किया. सो ये वो चीज़ है जो पर्सनल कैरेक्टर पे बात आती है, कि ये इसकी हैबिट क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका लेन देन का तरीका कार कैसा है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सनल कैरेक्टर. बैंक पर्सनल कैरेक्टर भी असेस करता है एडवांस करने से पहले, लोन देने से पहले, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके सामने मैं अगर 6-7-8 नाम लेता हूँ कि आप ही की यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं, एक कोई सीनियर पॉलिटिशियन है, आप अज्यूम करें कि आप एक बैंकर हैं, आप एक यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और आप एक बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये सब लोग आपसे लोन लेने आए हैं. एक लेट से कि एक पॉलिटिकल पार्टी में लेट से नवाज शरीफ साहब हैं, एक जरदारी साहब हैं. अब ये आपके पास 5-6 ऑप्शन हैं, प्रिंसिपल ऑफ योर यूनिवर्सिटी, देर इज़ अ टीचर, देन अ गार्ड, देन मे बी अ पॉलिटिशियन. सो इन सब में से जब आप लोन देने लगेंगे तो पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी दैट इज़ द कैरेक्टर, कि क्या मैं पॉलिटिशियन को लोन दूँ, पैसा तो बहुत है, वो वापस कर भी सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वो करता भी है. सिमिलरली एक गार्ड की बात करते हैं तो कैरेक्टर के साथ आपके जहन में और भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये वापस कर भी सकता है, कैरेक्टर तो ठीक है. सो पर्सनल कैरेक्टर वाइल एडवांसिंग लोन, वाइल गिविंग द मनी फ्रॉम द बैंक टू अ पर्सन हु हैज़ कम टू द बैंक टू बोरो दैट अमाउंट. सो पहली चीज़ जो आप देखेंगे दैट इज़ द पर्सनल कैरेक्टर. और बैंक कैसे देखता है, बैंक डिफरेंट सोर्सेज, जब भी कोई एप्लीकेशन देता है लोन लेने के लिए तो बैंक उसमें रेफरेंसेज इंक्लूड करता है. लेट्स से कि मैंने अगर बैंक से लोन लेना है तो मैं बैंक को एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रेफरेंस का कॉलम होता है. सो मैं अपने तौर पर रेफरेंस दे रहा हूँ बैंक को कि अगर आप चाहें तो मेरे पर्सनल कैरेक्टर के बारे में ये 2 रेफरेंसेज मेरे हैं, आप इनसे पता कर लें. सो बैंक मेरे रेफरेंसेज से भी पता कर सकता है. फिर बैंक एक इंडिपेंडेंट अपनी इंक्वायरी भी कर सकता है. आपने सुना होगा या शायद कभी विटनेस भी किया हो कि बहुत से लोग बैंक के बिहाफ पे आते हैं और नेबर से, जिसने लोन लेना है उसके दाएं बाएं घर में उसके नेबर से कुछ इंक्वायरी करते हैं कि सो है मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो यहाँ रहती हैं, कब से रह रहे हैं, क्या करते हैं, आप कितनी देर से जानते हैं. सो इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन ली जा रही होती है दैट इज़ टू गेट द नॉलेज ऑफ पर्सनल कैरेक्टर. देन सेकेंडली वी हैव प्रोफेशनल कैरेक्टर. प्रोफेशनल कैरेक्टर से मतलब है कि अब आप एक डॉक्यूमेंट के थ्रू चलना चाह रहे हैं. यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ECIB, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ये एक रिपोर्ट देता है, ECIB रिपोर्ट होती है, और ये ब्यूरो एक इदारा है, स्टेट बैंक के अंडर काम करता है. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ. इसका जब भी कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई भी बैंक से लोन लेता है तो इट इज़ मैंडेटरी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, के मंथ एंड पे या एक स्पेसिफिक डेट पे हर कमर्शियल बैंक अपने दिए गए लोन को रिपोर्ट करेगा स्टेट बैंक के इस इदारे को, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को. फॉर एग्जांपल बैंक ने मिस्टर ए को 1,00,000 रुपए का लोन दिया है तो एक स्पेसिफिक मंथ में एक स्पेसिफिक डेट पे बैंक सेंट्रल बैंक के इस इदारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को ये बताएगा
कि मैंने मिस्टर ए जिसका CNIC ये है, जिसका घर का एड्रेस ये है, 1 लाख रुपया लोन दिया है। इसी तरह ये एक बैंक की बात है, हो सकता है उसने 10 बैंकों से लोन लिए हैं, तो 10 के 10 बैंक CIB डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे अपने अपने बैंक के दिए गए लोन के बारे में। देन CIB ये जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इस ये पूरे बैंक की रिपोर्ट को कंपाइल करेगा। जैसे मिस्टर ए ने HBL से भी लोन लिया, वो भी आ गया, अल हबीब से लिया, वो भी आ गया, अल्फला से लिया, नेशनल बैंक से लिया, मिजान से लिया, वो सारों को रिपोर्ट करके एक फाइनल रिपोर्ट बना देता है, जिसको हम कहते हैं CIB रिपोर्ट। और ECIB इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक रिपोर्ट देता है कि एक इंडिविजुअल ने तमाम बैंकों से एक स्पेसिफिक डेट पे कितना पैसा लिया हुआ है। सो एक तो वो टोटल अमाउंट आ गई जितना बोरो किया हुआ है। फिर अगर कोई इंडिविजुअल, हम इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं, मिस्टर ए किसी लोन में डिफॉल्ट कर जाता है, लेट से HBL बैंक के साथ, बाकी बैंकों में वो रेगुलर है, लेकिन HBL के कोई इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी थी जो वो पे नहीं कर सका, तो ऐसी सूरत में फिर प्रोविजनिंग का ऑप्शन होता है, या हम देखते हैं कि कितनी देर हो गई है उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। 30 दिन हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं, लेट से 1 जनवरी 2020 को ड्यू थी और 3 माह गुजर गए, 31 मार्च 2020 तक उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब है 90 डेज ओवर ड्यू हो गए, 90 दिन गुजर गए, उसने जो पैसे देने थे वो नहीं पे किए। तो अगेन इट इज़ मैंडेटरी बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जिस भी बैंक का डिफॉल्ट हो रहा है या होने जा रहा है या ओवर ड्यू हो रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करेगा दैट मिस्टर ए हैज नॉट गिवन बैक इट्स इंस्टॉलमेंट सिंस लास्ट 90 डेज। सो 90 दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं इसके इंस्टॉलमेंट। इसी तरह फिर 180 डेज पे भी रिपोर्ट करेगा और 365 पे भी रिपोर्ट करेगा। सो जब भी सो नाउ ये रिपोर्ट बनते हुए एक डेटा कंपाइल होता चला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल सब बैंकों से कितना लोन ले रहा है, फिर उस लोन में से कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो कितना कर रहा है। सो एक इंफॉर्मेशन आ रही है ना, थिंक एज अ बैंकर कि अब आप अगर एक रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल ने 90 दिन से 100 बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो बीइंग अ बैंकर आपको इस पे क्यूरियस होना चाहिए कि ये मजीद पैसा क्यों लेने आ गया है, पहले ही ये लोन भी पे नहीं हो, उसकी कैपेसिटी नहीं है, या ये जानबूझ के नहीं कर रहा, या अगर इसने पिछला लोन वापस नहीं किया तो हम उसको मजीद लोन कैसे दे दें। सो यहाँ पे फिर बैंकर की प्रूडेंस आएगी कि वो लोन देना चाहता है, नहीं देना चाहता, या देना चाहता है तो कैसे देगा और क्यों देगा और किस जस्टिफिकेशन पे देगा। सो दिस इज द अदर थिंग नंबर वन। सो ECIB रिपोर्ट होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया, अभी दिखाता भी हूँ इसका प्रीव्यू। एंड सेकेंडली इट इज़ मैंडेटरी बाय ऑल कमर्शियल बैंक्स के जब भी किसी कस्टमर को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको भी बैंक ने लोन देना है, लोन देने से पहले वो ECIB रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करवाएगा सेंट्रल बैंक के इस इदारे से। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी बैंक अल हबीब से लोन लेने आता है, तो मिस्टर बी के बिहाफ पे जो सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी प्रोवाइड करेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, CNIC नंबर होगा, बेसिक डिटेल्स होंगी, सैलरी और अगर कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ। सबसे पहले बैंक अल हबीब CIB डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट निकलवाएगा उस के बारे में जो कि लोन लेने आया है। सो जब वो रिपोर्ट आएगी तो पहले उस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा कि क्या कोई कस्टमर जो बोरो करने आया है उसने डिफॉल्ट तो नहीं किया, उसका टोटल लोन कितना है। अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो आप उसके एक प्रोफेशनल कैरेक्टर को जज करना चाह रहे हैं कि ये बंदा डिफॉल्ट नहीं करता, ये लोन लेता है तो उसको वापस भी कर देता है, क्योंकि ओवरड्यू के कोई हिस्ट्री नहीं आ रही, कस्टमर ने अपने टाइमली पेमेंट्स किए हुए। सो एक्चुअली CIB का पर्पज़ ये है कि सब बैंकों की एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है और वो स्टेटमेंट फिर हर बैंकर जो किसी को लोन देना चाहता है तो वो एक्सट्रैक्ट करता है, वो रिपोर्ट लेता है, देखता है और फिर असेस करता है कि इसका प्रोफेशनल कैरेक्टर कैसा है, ओवरड्यू तो नहीं करता कस्टमर। सो इस तरीके से ECIB रिपोर्ट उसका प्रोफेशनल कैरेक्टर जज करने में हेल्पफुल होती है। सो क्या है ECIB में, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है जिसमें प्रीवियस लोन हिस्ट्री और जो जितना उसका लोन वगैरह है या डिफॉल्ट है वो सारा कुछ, या अगर उसने कोई रीस्ट्रक्चर करवाया हुआ है लोन, रीस्ट्रक्चर का मतलब कि पेमेंट देनी थी 31 मार्च 2020 को,
लेकिन वो नहीं दे सका, तो उसने कहा कि जी डिफॉल्ट में ना डालें बल्कि इसकी पेमेंट डेट इनहेंस कर दें, मैं आपको जून में पे कर दूंगा। सो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह भी उस ईसीआईबी रिपोर्ट में शो हो रही होती है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ सीआईबी रिपोर्ट। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, और इसके ऊपर अगर बैंक ये सीआईबी रिपोर्ट किसी भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर देता है दैट, तो बैंक को बहुत हैवीली फाइन या पेनलाइज किया जाता है। इसी वजह से इसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा जाता है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बैंकर से एसोसिएटेड है कि बैंकर इसको देखे और अंदाज़ा लगाए कि किसको लोन देना है या नहीं देना, ओवरड्यू है या नहीं। सो अब अगर आप इसको वन बाय वन देखें तो सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रोफाइल में उसका कोड लिखा है, नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फिर आप देखें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ लिखी हैं। सो 8.394 बिलियन उसका फंड बेस्ड है, 2.045 उसका नॉन फंड बेस्ड है। ये अब इसको मैं फर्दर एलैबोरेट नहीं कर रहा बिकॉज ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। फिर अमाउंट अंडर लिटिगेशन, राइट ऑफ, पास्ट ड्यूज 90 डेज, जो मैंने आपको बताया कि 90 दिन हो गया उसने पे नहीं किया, या 365 डेज हो गए हैं, या कोई रिकवरी। सो उसके अलावा उस ग्रुप जैसे पैकेजेस ग्रुप है, सो पैकेजेस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, ये वही लिखी हुई हैं, एबर्ट लेबोरेटरीज है या लॉर्ड्स है, पाकिस्तान केबल है, DIC पाकिस्तान होगी, नेस्ले होगी, टेट्रा पैक होगी। सो बेतहाशा ये जो कंपनीज़ हैं ये पैकेजेस ग्रुप के अंदर आती हैं। सो वो भी सारा कुछ मेंशन कर दिया। और लास्ट में जो आप टेबल देख रहे हैं क्रेडिट इंक्वायरीज का, इसमें आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक 4-6 आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक 1-6 आ रहा है, फॉरेन बैंक 1-6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ECIB रिपोर्ट किस किस डेट को एक्सट्रैक्ट की गई। सो ये एक पुरानी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि 4-6-2012 की रिपोर्ट है, और उसके साथ फिर उसकी 5-6 बैंकों की हिस्ट्री भी बताई जा रही है कि इसी कंपनी की यानी कि पैकेजेस लिमिटेड की और भी कब कब ECIB एक्सट्रैक्ट की गई। अब इसका पर्पस ब्रीफली बता दूं, ये है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये अप टू अ सर्टन टाइम होती है या अप टू अ सर्टन पीरियड होती है। जैसे अगर आप देखें कंसोलिडेटेड क्रेडिट एक्सपोजर जो आपकी रिपोर्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है जहाँ से रिपोर्ट शुरू हो रही है, इसकी 6 लाइन देखें, कंसोलिडेटेड क्रेडिट एक्सपोजर एज ऑन 30 अप्रैल 2012। सो ये जो रिपोर्ट हमें दी जा रही है ये 30 अप्रैल 2012 की है, और कस्टमर आपसे जो लोन लेने आया है लेट से वो 4 जून को आया है, तो इन बिटवीन का जो डेटा है वो इस रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा। सो ये जो लास्ट में क्रेडिट इंक्वायरीज हैं ये इसी पर्पस के लिए हैं कि आप कस्टमर से पूछ लें कि आपने 4-6 या 1-6 या 31-5 किन किन बैंकों से रابطہ किया था और क्यों किया था, आपकी ECIB रिपोर्ट क्यों निकलवाई गई थी। सो कस्टमर आपको बता देगा कि मैंने इन बैंकों से भी अप्लाई किया है या कोई और पर्पस हो सकता है। सो एनी हाउ ये सारा कुछ नटशेल है, हम एक्चुअली यहाँ पे असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कस्टमर का प्रोफेशनल बिहेवियर या प्रोफेशनल क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैनन ऑफ लैंडिंग जिसको हमने कहा कैरेक्टर, एंड दैट सेकेंड कैनन ऑफ लैंडिंग इज कैपेसिटी। दिस इज एन एवेल्यूएशन ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू रीपे द लोन। द बैंक नीड्स टू नो हाउ यू विल रीपे द फंड्स बिफोर इट विल अप्रूव योर लोन। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ हेयर जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि अगर आपसे कोई लोन लेने आता है, इवन लेट्स टॉक अबाउट एनी फ्रेंड ऑफ यू, जब वो आपसे लोन लेने आता है तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टर ये हैबिचुअल तो नहीं है, या ये पैसा वेस्ट तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं है कि इसका कैरेक्टर ये और भी 10-15 से लेके पैसा खा जाता है। सो वी हैव सीन द कैरेक्टर राइट नाउ, ये वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्त को लोन दे रहे हैं या बैंक किसी कस्टमर को लोन दे रहा है। देन द सेकेंड थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड इज़ कि ठीक है इसका कैरेक्टर तो ठीक है, ये हैबिचुअल नहीं है, कभी कभी ज़रूरत के वक्त पैसा लेता है लेकिन वापस भी कर देता है टाइमली, कभी ओवर ड्यू नहीं किया। द सेकेंड थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड इज़ कि क्या ये वापस भी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है इतनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक दोस्त है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, वो आपसे 25,000 रुपये का लोन मांगता है, तो पहले आप देखेंगे कैरेक्टर आपने उसको पास कर दिया कि ठीक है ये वापस कर सकता है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि 25,000 ये लोन ले रहा है तो क्या 25,000 वापस भी कर सकता है। आप देखते हैं कि हाँ यार इसकी सैलरी 50,000 के करीब है,
तो ये 25,000 तक मैनेज कर लेगा, वापस कर लेगा। बट द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या उसकी सैलरी अगर 50,000 है और वो आपसे 5 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, नाउ यू विल थिंक मोर अबाउट इट, क्योंकि उसकी कैपेसिटी आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है। ये नहीं है कि कैपेसिटी है नहीं, वो सेविंग करके हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल बाद आपको वापस कर देगा, बट देर विल कम अ पॉइंट इन योर माइंड कि इसकी कैपेसिटी, इसको मुश्किल होगी। सो दिस इज़ वॉट टू वी आर रेफरिंग एज द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी को मैं कहता हूँ कि 50,000 उसकी सैलरी है और वो 5 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, और साथ में वो कहता है कि मैं 1 साल में वापस कर दूंगा। अब यहाँ पे आप अगर सिंपल सी कैलकुलेशन करें, 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो उसकी लेट से 1 साल की 6 लाख रुपया सैलरी बनती है। तो 6 लाख रुपए की सैलरी में वो 5 लाख रुपए आपको कैसे वापस कर सकता है, जब उसके एक्सपेंसेस भी हैं, ऑब्वियसली उसके कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होगा। सो आप देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, अगर उसने ये लोन ले लिया तो चाहे उसका कैरेक्टर ठीक है लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर सकेगा। सो एज पर द प्रेजेंट कैपेसिटी दैट लोन, नज़र ही आ रहा है कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा। सो तो बैंकर भी ऐसे ही देखता है कि अगर कोई लोन लेने आ रहा है, चाहे वो कंपनी है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसका प्रीवियस प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, वो कितना पैसा निकाल सकता है सेल्स के थ्रू, और सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी सैलरी के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। सो ये देखा जाएगा कि क्या उसकी प्रेजेंट कैपेसिटी इतनी है कि वो वापस कर सकता है। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्ट्रेट अवे आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे या बैंकर कस्टमर को रिफ्यूज़ कर देगा कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना पैसा वापस कर सकें। लेकिन उसके बाद वो आपको कहता है कि जो पैसा मैं आपसे लोन ले रहा हूँ 5 लाख रुपया, मैं इसको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने में लगा रहा हूँ। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं तो कंपनी कहता है मैं इसे एक नया कोई मशीन खरीद रहा हूँ, वो मशीन इतनी प्रोडक्शन देगी, वो प्रोडक्शन के बाद इतने की सेल होगी और उस सेल से मुझे इतना प्रॉफिट आएगा। सो जो कैपेसिटी आप आज 50,000 रुपये मेरी मेजर कर रहे हैं, ये बढ़ के 3 लाख रुपया हो जाएगी पर मंथ। सो दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं उसकी कैश फ्लो की, फ्यूचर कैश फ्लो, उसके आने वाले वक्त में उसको कितना पैसा मिलना है। सो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर कैश फ्लोज दोनों चीज़ें मिल के उसकी कैपेसिटी बनाएंगी कि क्या वो पैसा वापस कर सकता है। सो अ बैंकर मस्ट मेक श्योर दैट द पर्सन, द इंडिविजुअल और द कंपनी और द फर्म और एनी इंस्टीट्यूशन विच हैज़ कम टू बैंक फॉर टेकिंग लोन, वेदर इट हैज़ कैपेसिटी टू रीपे और नॉट। इफ़ द रीपेमेंट कैपेसिटी इज़ नॉट अवेलेबल, विल हैव टू सी द फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर वो भी मिल के उसकी कैपेसिटी नहीं बन रही, वो आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा, बताएगा सारी डिटेल, बताएगा कि मैं ये काम करूँगा आपके पैसों से, यहाँ यहाँ मैं पैसों को इन्वेस्ट करूँगा, उससे इतना मुझे रेवेन्यू मिलेगा और इस रेवेन्यू में से इतनी मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह मैं आपको रीपे कर दूँगा। सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड बींग अ बैंकर, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यू विल गो अहेड। या अगर आपको उस बिज़नेस के बारे में, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पता, तो आप इसको थर्ड पार्टी आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से इदारे हैं, फर्गुसन है, अर्नस्ट एंड यंग है, इसी तरह तसीर हद, बहुत से ऑडिटिंग फर्म्स हैं, आप उनको ये रिपोर्ट सेंड करके उनसे एक ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक है। सो वो आपको ओपिनियन देते हैं। सो बाई एनी मीन्स यू नीड टू जज और यू नीड टू यू नो गेट योर सेल्फ एक्नॉलेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड कि क्या इसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि आने वाले वक्त में पैसा वापस कर दें। सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कैनन ऑफ लैंडिंग, फर्स्ट पर्सनल कैरेक्टर और प्रोफेशनल कैरेक्टर, देन द कैपेसिटी। इफ़ यू आर ओके विद दोज टू कैनन ऑफ लैंडिंग, देन वील बी मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन। सो कैपेसिटी टू रीपे इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then there is capital, it's the borrower's stake in the project and the regulatory requirements। ये दो aspect में हम देखेंगे। Capital से मतलब है वो पैसा जो मालिक के मालिकाना तौर पे लगाया जा रहा है, ownership के तौर पे लगाया जा रहा है। एक पैसा होता है जो loan लिया जा रहा है, loan means credit, वो आपको कहीं ना कहीं वापस करना है। और अगर आप किसी के साथ partnership करके उसके business में invest कर रहे हैं as an owner, तो उसको हम कहते हैं capital। सो बोरोड कैपिटल इज़ डिफरेंट थिंग, ऑनर्स कैपिटल इज़ डिफरेंट थिंग। बोरोड मीन्स यू हैव टू पे दैट बैक, एंड ऑनर्स मीन दैट यू आर ऑनर एंड यू विल शेयर प्रॉफिट और लॉस एंड सो ऑन। सो लेट्स से कि कोई कंपनी आई है बैंक के पास, यू बीइंग द बैंकर आपके पास आती है और आपको कहती है कि मैं एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं हम लोग,
और उसके लिए 10 मिलियन का लोन चाहिए। तो कैरेक्टर देखा जाएगा कंपनी का, कैरेक्टर ठीक है, प्रोफेशनल हिस्ट्री ठीक है, देन कैपेसिटी देखी जाएगी, कैपेसिटी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाई जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना निकलता है, क्या उस प्रॉफिट में से अगर लोन की इंस्टॉलमेंट निकाली जाए तो फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं एक असेस की जाएंगी। और फिर तीसरी चीज़ जो पूछी जाएगी कि बताएं आपका स्टेक क्या है, मतलब अगर आप 10 मिलियन का लोन बैंक से लेने आ रहे हैं तो आप अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में कितना लगा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम अपना पैसा नहीं, सारे का सारा पैसा बैंक से ही ले रहे हैं, तो फिर बैंकर इस पे ऊपर एतराज़ करेगा कि इसमें आपका भी स्टेक होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, तो वो तो बैंक डूब जाएगा, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, सारा पैसा तो बैंक का लगा हुआ है। सो आप अपना स्टेक इंक्लूड करें, लेट्स डू इट इन द रेशियो ऑफ 40-60, कि जी 40% आप अपने प्रोजेक्ट में अपने पास से फाइनेंसिंग करें, इंटरनल फाइनेंसिंग करें, और 60% आपको बैंक देता है, यानी कि 10 मिलियन में से 4 मिलियन पास से लगाएं, 6 मिलियन बैंक देता है। सो दैट मीन्स यू नीड टू मेक श्योर के जो बोरोवर है उसका भी उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई स्टेक हो। सो दिस इज़ द थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग विच इज़ कॉल्ड कैपिटल, के बोरोवर का जो लोन लेने आया है उसका अपना स्टेक क्या है प्रोजेक्ट में। और फिर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एक चीज़ होती है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है, जिसके अंदर तमाम रूल्स रेगुलेशंस होती हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए। कमर्शियल बैंक को वो सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में लिमिट लगा देता है कि एक कस्टमर को या कंपनी को या बोरोवर को इतनी अमाउंट से ज़्यादा आप फाइनेंस नहीं कर सकते या लोन नहीं दे सकते। ये दोनों कैपिटल्स पे, उस कंपनी के कैपिटल पे भी डिपेंड कर सकता है और बैंक के कैपिटल पे भी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्रूडेंशियल रेगुलेशन में लिखा है कि किसी भी बोरोवर या कंपनी के, कंपनी का जो कैपिटल है का 10 टाइम से ज़्यादा बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, उसको 10 से 0 दे दें, और जो आता है उससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। या प्रूडेंशियल रेगुलेशन में लिखा है कि 25% बैंक के कैपिटल से एक कस्टमर को बैंक भी नहीं दे सकता। सो बैंक अपनी इक्विटी देखता है, अपना कैपिटल देखता है, और फिर बैंक उसका 25% लेता है। जो अमाउंट आती है बैंक उस पैसे से ज़्यादा किसी एक बोरोवर को नहीं दे सकता। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग में हम स्टेक भी देखेंगे, बींग अ बैंकर और बींग अ लैंडर, के जो बोरोवर हमसे पैसा मांग रहा है उसका स्टेक क्या है प्रोजेक्ट। और फिर हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी देखेंगे कि क्या हम उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस पे पूरा उतर रहे हैं लोन देते हुए। सो दिस इज थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग। देन देयर इज कोलैटरल। कोलैटरल हम कहते हैं जी मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अदर बिजनेस एसेट्स दैट कैन बी सोल्ड ऑफ इफ अ बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन आर कंसिडर्ड कोलैटरल। हमने अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले कैरेक्टर देख लिया, फिर कैपेसिटी देख ली, फिर कैपिटल देख लिया, फिर हम कहते हैं कि जी ये सब तो सब ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी देख ली, आपका कैरेक्टर भी ठीक है, कैपेसिटी भी है आपके पास, आपने पैसा भी अपना लगा लिया कैपिटल के तौर पे, लेकिन वी डू नॉट नो अबाउट द फ्यूचर। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वैसे प्रूव ना हो जैसे आपने बनाई है, कुछ चीज़ें एडवर्स हो जाएं, जैसे आजकल पैंडेमिक है, सारे बिजनेस प्लान्स फेल हो गए, या बहुत सारे बिजनेसेस जो अच्छे चल सकते थे या चल रहे थे वो फ्लॉप हो गए। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बीइंग अ बैंकर यू नीड सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी फिर मुख्तलिफ हो सकती है, वो मशीनरी भी हो सकती है, वो रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, कोई स्टॉक भी हो सकता है, सो ऐसी, या लैंड बिल्डिंग भी हो सकती है। सो बैंक जब लोन देने पे एग्री होगा तो साथ में उससे पहले सिक्योरिटी डिमांड करेगा, जिसको हम कोलैटरल कहते हैं। दिस इज़ द फोर्थ कैनन ऑफ लैंडिंग। विदाउट कोलैटरल इसमें भी ना, एक तो बैंक खुद से रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर पैसा वापस ना आ सका या बोरोवर ने पैसा वापस ना दिया तो कुछ ना कुछ एसेट होना चाहिए जिसको बेच के बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले। और इसके साथ साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, सेंट्रल बैंक भी कहता है कि आप बगैर सिक्योरिटी के एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोलैटरल इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट, बैंक वांट टू कैश पेमेंट्स, बैंक्स वांट टू कैश रीपे द लोन, नॉट सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स। सो
हम ये कह सकते हैं कि कभी भी बैंक का प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि वो कलेटरल को सेल कर दे। बैंक का प्राइमरी पर्पस यही है कि उसने लोन दिया है, उसको उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलके आराम से वापस आ जाए। इट इज़ द लास्ट ऑप्शन टू द बैंक कि उसको कलेटरल बेचना पड़े। सो बैंक नॉर्मली ट्राइज टू डू मैक्सिमम एफर्ट कि अगर कोई लोन वापस नहीं भी आ रहा तो उसे निगोशिएशन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, किसी ना किसी तरीके से पैसा वापस आ जाए। दिस इज़ द लास्ट रिजोर्ट कि अगर पैसा किसी भी तरीके से वापस नहीं आ रहा तो फिर बैंक उस कोलेटरल को सेल करने के लिए चला जाता है। सो दैट मीन इट इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स कि जिससे बैंक अपना पैसा रिकवर करे, बल्कि बैंक का प्राइमरी सोर्स हमेशा वही रहेगा कि कस्टमर पैसा वापस दे दे। अलबत्ता अगर वो पैसा वापस नहीं दे सका तो फिर बैंक इस एसेट को, इस कलेटरल को बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। द लास्ट थिंग इज कंडीशंस। सो कैरेक्टर, कैपेसिटी जिसको कैश फ्लो के साथ हमने मर्ज किया, देन कैपिटल, देन कोलैटरल एंड लास्टली कंडीशंस। दिस इज एन ओवरऑल एवेल्यूएशन ऑफ द जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड द पर्पस ऑफ द लोन। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे लोन दे दें, मैंने जो डेस्कटॉप पीसीज होते थे आज से 15 साल पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या उसका प्लांट लगाना है। तो आप देखते हैं कि इसका कैरेक्टर भी ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी है, आप इसका कैपिटल अपना पैसा भी लगा रहा है, ये कोलैटरल भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, लेकिन जिस बिज़नेस में ये इन्वेस्ट करने जा रहा है इकोनॉमिक कंडीशन तो उसको सूट नहीं करती। अब सब लोग लैपटॉप पे चल रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, पाम टॉप्स मौजूद हैं, तो अब आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी बना के उसको कैसे सेल करेंगे और सेल करने के बाद कैसे पैसे कमाएंगे और फिर बैंक को भी लोन रीपे करेंगे। सो बैंक को ना सिर्फ उस पर्सनल कैपेसिटी में उस बोरोवर को देखना है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखना है। सो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, उस बिज़नेस के साथ अलाइंड हैं, वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल लगता है, तो फिर बैंक इस पे गो अहेड करेगा या आगे सोचेगा लोन देना या ना देना। लेकिन अगर वो इकोनॉमिक कंडीशंस को ही सूट नहीं करती तो बैंक यहाँ से ही रिजिस्ट करेगा, डिस्पाइट के पहले 4 कैनन्स ऑफ लैंडिंग ठीक थे। एंड ऑल्सो वट रेट एंड चार्जेस शुड बी ऑफर्ड टू कस्टमर एंड बोरोवर। सो ऑब्वियसली हर कस्टमर का रिस्क मुख्तलिफ है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दी थी कि आप एक बैंकर हैं और आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल लोन लेने आए हैं, एक टीचर लोन लेने आए हैं, गार्ड लोन लेने आया है, एक पॉलिटिशियन लोन लेने आया है, तो आप देखते हैं कि ये लोन जो है ये मुख्तलिफ अमाउंट का भी हो सकता है और हर इंडिविजुअल के साथ एक मुख्तलिफ रिस्क एसोसिएटेड है। हो सकता है प्रिंसिपल के साथ रिस्क कम हो, हो सकता है टीचर के साथ रिस्क ज़्यादा हो या कम हो, सिमिलरली गार्ड के साथ रिस्क ज़्यादा हो या कम हो। सो बेस्ड ऑन दैट रिस्क आप उसका रेट असाइन करते हैं बैंक में। फाइनेंस में नॉर्मली ये कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सो जितना ज़्यादा रिस्क बैंक ले रहा है उतना ज़्यादा बैंक रिवॉर्ड भी फिर लेता है, उसका रेट भी हाई देता है। यानी कि अगर एक कम रिस्क वाले बंदे को 10% पे लोन देने पे बैंक एग्रीड है तो ज़्यादा रिस्क वाले को 10 पे नहीं बल्कि शायद 12-13-14-15% पे लोन देने के लिए रेडी होगा। सो वो लोन कितने रेट पे दिया जाएगा, वो लोन कब वापस आएगा, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से एसेट दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पे, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन साइन होगी। सो ये सारी चीज़ें हम कंडीशंस में ओवरऑल इसको इम्प्लांट कर देते हैं। सो समराइजिंग ऑल दोज थिंग्स, हम कहते हैं कि हमने देर आर 5 सीज ऑफ क्रेडिट, 5 कैनन्स ऑफ लैंडिंग और 5 कैनन्स ऑफ क्रेडिट। कैरेक्टर जिसको हमने क्रेडिट हिस्ट्री कह दिया, देन कैपेसिटी जिसको हमने एसेसेस बोरोवर्स डेट टू इनकम रेशियो कह दिया, फिर कैपिटल इट इंडिकेट्स द बोरोवर्स लेवल ऑफ सीरियसनेस कि उसका अपना स्टेक कितना है, देन कोलैटरल ऑफर्स द एश्योरेंस दैट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन द लोन द लेंडर कैन रीपोजेस द कोलैटरल, एंड लास्टली कंडीशंस फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। सो अगर हम इन सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ये एक चार्ट जो है ये आपके सामने आता है। सो आई होप कि ये कैनन्स ऑफ लैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो नहीं समझ आया होगा, वी ऑब्वियसली हैव द जूम सेशंस एंड द क्लासेस, यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस इन दोज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, जज़ाकअल्लाह।